भारतीय टीम ने दूसरा ओडीआई मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ गवा दिया। दूसरा मैच भारतीय टीम 6 विकेट से हार गई। इंग्लैंड ने अब इस 3 मैच की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। इंग्लैंड के लिए इसमें हीरो रहे बेन स्टोक्स और जॉनी बेस्टो। बेन स्टोक्स अनलकी इस मामले में रहे कि वो 100 नहीं बना पाए, 99 रनों पर वो आउट हो गए। सेंचुरी के मामले में वो अनलकी रहे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो लकी इस मामले में रहे कि वो पहले ही आउट हो गए थे और उनको जो है बेनिफिट और डाउट की वजह से वो बच गए। और इस अंपायरिंग के चलते एक विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर भी कई लोग कह रहे हैं कि बेन स्टोक्स पहले ही आउट हो चुके थे। विराट कोहली भी एक बार फिर से ऑन फील्ड अंपायर से किसी डिसीजन को लेकर बहस करते हुए दिखाई दिए थे और इस बार ये था बेन स्टोक्स का रन आउट होना। इंग्लैंड को विश्व चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले बेन स्टोक्स ने करो या मरो के मुकाबले में भी तूफानी बल्लेबाजी खेली। 10 छक्के और 4 चौके की मदद से 99 रनों की पारी बेन स्टोक्स ने खेली। ये पारी गेम चेंजर रही। बेन स्टोक्स को लेकर एक अंपायरिंग डिसीजन है जिसको लेकर एक सवाल खड़ा हो गया है। इंग्लैंड की पारी के दौरान 26वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक विवादास्पद मामला सामने आया है। भुवनेश्वर कुमार की बॉल पर हिट करने के बाद बेन स्टोक्स ने 2 रन लिए। बेन स्टोक्स तब 31 पर बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरा रन पूरा करते समय कुलदीप यादव ने मिड विकेट से सीधा स्टंप्स पर थ्रो किया। रीप्ले वीडियो में स्टोक्स के बैट का कोई भी हिस्सा क्रीज के अंदर नहीं दिखा। हालांकि थर्ड अंपायर ने बेनिफिट ऑफ डाउट स्टोक्स को दिया और वो नॉट आउट करा दिए गए। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि अगर वो थर्ड अंपायर होते तो जरूर आउट देते। वहीं ट्विटर पर युवराज सिंह ने भी स्टोक्स को आउट करार दिया। तमाम फैंस का भी गुस्सा अंपायर पर फूटा और उन्होंने कहा कि वो जरूर आउट थे। गौरतलब है कि थर्ड अंपायर ने ये पाया कि स्टोक्स का बैट ऑन द लाइन था। स्टंप्स की गिल्लियां जब उड़ी और लाइट जली तब बैट का ऊपरी हिस्सा क्रीज के अंदर और जमीन से लगा हुआ बैट का हिस्सा लाइन पर था। फैसले के बाद कोहली पिच पर आए और फील्ड अंपायर नितिन मेनन से बहस करते हुए कहा कि स्टोक्स आउट थे। कोहली ने हाथ से क्रीज पर बैट की मूवमेंट को बताया कि बल्ले का ऊपरी हिस्सा क्रीज के अंदर होने से कुछ नहीं होता, बैट का निचला हिस्सा देखना चाहिए। कमेंटेटर्स आकाश चोपड़ा और इरफान पठान ने भी उन्हें आउट बताया। इस दौरान उन्होंने ICC के सॉफ्ट सिग्नल नियम पर भी बहस कराने की बात कही। देखिए, इस पूरी सीरीज में अगर हम इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया की बात करें तो कई ऐसे डिसीजंस रहे हैं जहां पर अंपायर जो है उनको कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज रही हैं, बहुत विवाद रहे हैं यहां पर अंपायर्स कॉल को लेकर और सॉफ्ट सिग्नल को लेकर। पिछली बार भी हमने देखा था किस तरह से सूर्य कुमार यादव के जो कैच आउट होने की बात थी और उसको लेकर भी ये काफ़ी बहस छिड़ गई थी। हाल ही में ICC की तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं उससे यही समझ में आ रहा है कि जो DRS है उसमें अंपायर्स कॉल है उसके साथ वो जाएंगे, उसमें कोई तब्दीली, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए, सॉफ्ट सिग्नल भी उसी तरीके का एक विवाद है, लेकिन उम्मीद ही कम है इसमें कि सॉफ्ट सिग्नल जो है इसमें भी कोई चेंज होगा या नहीं। खैर, अब जो हो गया वो हो गया। अब अगला जो मैच है वो होगा निर्णायक मुकाबला, रविवार को ये मैच खेला जाएगा। आप हमारे साथ उस मैच से पहले और उस मैच के बाद ज़रूर जुड़िएगा। उस मैच से जुड़ी हुई हर जो खबरें हैं वो भी हम आपको न्यूज़ तक पर देते रहेंगे। इसलिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिए और हमारी न्यूज़ तक को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ आप ज़रूर बने रहिए न्यूज़ तक पर।